कांग्रेस ने जो नफरत फैलाने की और देश को बांटने की कोशिश की है अपने घोषणा पत्र में, उसका बहुत ही स्पष्ट जवाब देश की जनता देगी। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं, कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं, गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। अपना घर राजमहल बन जाए, शीश महल बन जाए, वो सोचता हो। अपने क्षेत्र की जनता पानी के लिए तड़प तड़प के त्राहि त्राहि कर रही हो, लेकिन आपको अपना शीश महल में बैठ करके और सिर्फ अपने परिवार की चिंता लगी हो, तो आम आदमी पार्टी तो समाप्त है। टाइम्स नाउ नव भारत के एटीजी के एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त दिखती मिल रही है, और इस पूरे विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए सांसद मनोज तिवारी हैं। सर, एग्जिट पोल आ चुके टाइम्स नाउ नव भारत के एटीजी में, बीजेपी एनडीए को 358 जबकि सिर्फ बीजेपी को 315 और एनडीए को 125 दिखाई दे, क्या कहें? ये तो मिनिमम दिखाई दे रहा है, और ये जा सकता है 380 तक जा सकता है, 390 तक जा सकता है। एक तो मैंने 401 भी देखा, 401 भी जा सकता है। तो ये भारत के लोगों का मोदी जी के प्रति प्यार है जो एग्जिट पोल में दिख रहा है। वैसे हम अच्छी तरह जानते हैं कि एग्जिट पोल और एग्जिट पोल दोनों में अभी समय है, तो हम एग्जिट पोल का भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो एग्जिट पोल है वो भारत की जो मोदी जी के प्रति विश्वास है, प्रेम है, आशा है, उसको दिखा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने, इंडी गठबंधन ने कल बैठक की सभी नेताओं के साथ, जितने उसमें आंकड़ा रखा जिसमें इंडी गठबंधन जीत रहा है, 295 सीट इंडी गठबंधन देश के अंदर ला रहा है लोकसभा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो अपने से सर्वे दिखा रहे हैं, वो एग्जिट पोल पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, कोई तो होता जो आपको दिखाता ऐसा बताता, कोई बात नहीं। अब आज 2 है, 3, 2 और 3 तो इन लोगों को भी खुश रहने का अधिकार है। 4 को जो रिजल्ट आएगा उसमें कांग्रेस ने जो नफरत फैलाने की और देश को बांटने की कोशिश की है अपने घोषणा पत्र में, उसका बहुत ही स्पष्ट जवाब देश की जनता देगी, और वो एग्जिट पोल भी दिखा रहा है। पहले देखा कि एग्जिट पोल से पहले कांग्रेस ने दरकिनार कर लिया था, बाद में बैठने के लिए तैयार हो गए चीजें, लेकिन अब हम बात करें तो संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल सब यही कह रहे हैं कि एग्जिट पोल तो ये ठीक है ही नहीं, जिस तरह से पहले दरकिनार कर रहे थे अब कह रहे हैं कि बिल्कुल खराब है। और संजय सिंह करके हो ही नहीं सकता पंजाब में सिर्फ आम आदमी पार्टी 2 लेकर आ जाए। आम आदमी पार्टी अब समाप्ति के कगार पे है, और क्यों ना हो। जिसको इतनी अच्छी अच्छी बातें करके आने के बाद केवल भ्रष्टाचार करना सोचता हो, अपना घर राजमहल बन जाए, शीश महल बन जाए, वो सोचता हो, अपने क्षेत्र की जनता पानी के लिए तड़प तड़प के त्राहि त्राहि कर रही हो, लेकिन आपको अपना शीश महल में बैठ करके और सिर्फ अपने परिवार की चिंता लगी हो, तो आम आदमी पार्टी तो समाप्त है। मेरा पूरा विश्वास है कि इस बार का चुनाव आम आदमी पार्टी को अंतिम विदाई देने के लिए रिजल्ट लाएगा।